बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वशाफ़ी आँखों की ऐनक उतार वर्जिश व ग़िज़ा। खाकसार को कई साल से आँखों की दूर और नज़दीक की हर दो किस्म की ऐनकें लगी हुई थीं और इनका नंबर 2.25 था। डॉक्टर बेट्स जो माहिर अमराज चश्म थे और उनका ज़माना 1860 से 1931 तक का है, उन्होंने आँखों की बाज़ वर्षें ईजाद की थीं जिनके बारे में मैंने पढ़ और सुन रखा था। मैंने उन वर्षों में से बाज़ आँखों की वर्षें की और चंद हफ्तों के बाद दूर की ऐनक उतर गई और करीब की ऐनक का नंबर 2.25 से कम होकर 1 पर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको सबसे आसान वर्जिश बताने लगे हैं, यानी जो वर्षें तो कई एक हैं लेकिन आसान वर्जिश का जिक्र करने लगे, यानी 50 मरतबा आँखों को झपकें, बंद करें खोलें। अगर आपको ऐनक लगी हो तो ऐनक उतार कर ये अमल करें, दिन में 3 बार करें तो बहुत बेहतर होगा। आँखों को मुतअद्दिद बार साफ पानी से धोएं। इतने सादा से इलाज से इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो इलाज जारी रखें, ना हो तो छोड़ दें, मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। होमी आई ड्रॉप्स आँखों के लिए मुफीद कतरे। कैटरेक्ट्स, इसके फ़वाद जो हैं ये हैं, कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया, धुंध, जाला, कमज़ोरी नज़र, आँखों पर दबाव पड़ना, आँखों की जरासीमी छूत वगैरह, अनगिनत मरतबा इन अलामात में इस्तेमाल कराया गया और बफजल खुदा बहुत मुफीद पाया। किसी उम्मीद स्टोर से सैनी रेरिया मारीटीमा क्यू यानी मदर टिंक्चर 30 ml मसूद कंपनी का या किसी और लोकल या पाकिस्तानी कंपनी का ले लें, वलायती की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत महंगा होता है। एक साफ सुथरे ड्रापर में सैनी रेरिया के 10 कतरे डालें और ऊपर से अरके गुलाब के 100 कतरे डालें और बाम हल कर लें। 1-3 कतरे 3 बार आँखों में डालें, या अगर खुद ना तैयार कर सकें तो यह कंपनी के बने बनाए सैनी रेरिया के आई ड्राप्स होते हैं। मसूद कंपनी के मुफीद भी हैं, मैयारी भी हैं और सस्ते भी हैं। यूं तो और भी कंपनियों के हैं, जो आपको सस्ते और अच्छे लगें वो ले लें। अगर मस्कूरा तरीक से आप आँखों के कतरे खुद ना बना सकें तो कंपनी के बने बनाए ख़रीद कर इस्तेमाल करें, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। ग़िज़ा इलाज, मगज़, बादाम, तुखम खशखाश, सौंफ, चीनी, हर एक 250 ग्राम कूट पीस कर मिला लें। 2 चम्मच सुबह शाम नीम गरम दूध, चाय या पानी के साथ 41 रोज़ तक इस्तेमाल करें। कमज़ोरी नज़र के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ, गाजर, ब्रोकली, पालक, साग, खीरा, लीमू, मछली, अंडा, दूध, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ए, डी, सी और जिंक मौजूद हों, इस्तेमाल करें।